भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर रणनीति तेज कर ली गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मुरादाबाद पहुंचे थे, जहां पर कुंदरकी विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर युवा सम्मेलन में हिस्सा लिया गया। मेरे साथ बात करने के लिए युवा हैं, सीधा उनसे जानेंगे। जी, उपचुनाव हैं, क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है उपचुनाव की युवाओं के द्वारा? जी, हमारी पार्टी की पूरी तैयारी है। जैसे कि आज युवा सम्मेलन हुआ है कुंदरकी विधानसभा की मुंडा पांडे क्षेत्र में, और ज़्यादा से ज़्यादा युवा आ जाए हैं जैसे कि आपने देखा है, और हमारी पार्टी ये सीट हर हाल में जो है जीतेगी। और जैसा कि आपने देखा है कि हमारी पार्टी ने रोज़गार का क्या व्यवस्था की है, किस तरह से सरकारी भर्ती निकाल रही है, इसी प्रकार आगे भी हमारी पार्टी की काम करती रहेगी। और जो ही हमारे बुलडोजर बाबा हैं, हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने कैसे अपराध का खात्मा किया है यूपी से, ये भी आप सब देख रहे हैं। और हमारी पार्टी जो है जी तोड़ मेहनत कर रही है इस इलेक्शन के जीतने के लिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आज मुरादाबाद थे, सम्मेलन में भी हिस्सा लिया, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए हैं? दिशा निर्देश यही थे कि सभी कार्यकर्ता अपना जो है जमीनी स्तर से मेहनत करें, अपनी जो समस्याएं हैं जनता की उनको समझें और उसे जो है अपने बड़े पदाधिकारी तक पहुंचाएं, जिससे कि सरकार इन समस्याओं का निवारण जल्द से जल्द कर सके। और ज़्यादातर जो जनता की समस्या थी अभी तक देखने को मिला होगा आपको, रोज़गार को लेकर थी, मगर अब हमारी पार्टी ने देखा होगा आपको, कभी पुलिस भर्ती भी निकाली थी, अभी हमारी रेलवे की भर्ती भी आ रही है, उसमें लगातार हमारी पार्टी काम कर रही है। युवाओं के क्या कुछ मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर इस बार मतदान होगा? देखिए, युवाओं के मुद्दे सबसे मेनली तो रोज़गार ही है। जैसे कि हमारे सरकार ने, पहले वाली सरकारों ने जो भर्तियों में जो धांधलीबाजी होती थी उसको बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है। जमीनी स्तर से हम रोड मैप बना करके तैयार चल रहे हैं, और अभी जो पुलिस की भर्ती हुई थी उसमें जो कुछ शारीरिक तत्वों ने जो अपने असामाजिकता तत्व दिखाए हैं उसको लेकर के सरकार ने कड़ा कदम उठाया और फिर दोबारा से भर्ती करवाई। तो हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उन्होंने हमें युवाओं को ये संदेश दिया है कि आने वाले 2 सालों में भी युवाओं के लिए बहुत रोज़गार निकलेंगे और पुलिस में कम से कम 1 लाख पदों पर भर्ती होगी और युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और आज उस कुंदर की विधानसभा सीट के लिए रोड मैप तैयार किया गया है और युवाओं को ये कहा गया कि आप जी जान झोंक दें पार्टी के लिए। युवा हैं, मतदान करते होंगे, किन मुद्दों पर मतदान है, युवा क्या कुछ चाहते हैं सरकार से? नौकरी के बारे में संबोधित करने चाहते हैं वो जी। धन्यवाद। नौकरी के लिए क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं नौकरी के लिए? नौकरी वाले कुछ तैयारी करने चाह रहे हैं वो, जो है अपनी आगे भी बढ़े, मतलब फॉर्म डालें जी। और भी लोग हैं जी, युवा सम्मेलन में आज हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे, क्या कुछ मुद्दे हैं कुंदरकी के, किन मुद्दों पे मतदान होगा इस बार? मेन चीज यहाँ की, हमारे यहाँ की जो पहले लड़की एक सुरक्षित थी उसके लिए हमारे योगी जी ने इतने बढ़िया कदम उठाए हैं, और एक चौराहे पर छेड़ते हैं तो अगले चौराहे पर ठोक देते हैं, ये हमारे योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे युवाओं को सबको ये कहना है, कुंदरकी में एक मुद्दा और चल रहा है वोट आइडर आईडी वाला, जिसमें जो है तुम्हारे लोगों के भैया कहा गया है कि विपक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है कि वोट काटे जा रहे हैं, तो किस विपक्ष किस तरीके से जो है तुम्हारा भाजपा को लेकर क्या कुछ कर रहा है? विपक्ष तो तरह तरह के तर्ज देगा, नई नई बातें बताएगा, विपक्ष कहेगा कि वोट काट दिए, ऐसा कुछ नहीं है। जितने नए नए युवाओं के, अपने जैसे 18 साल का बच्चा हुआ उसके वोट जुड़ेंगे, वो जुड़वाएंगे, काम करेंगे, नए नए वोट जोड़ेंगे। अब ऐसे तो विपक्ष तो उंगली उठा दी है। मुरादाबाद जनपद के कुंदरकी विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर मुरादाबाद में एक युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के द्वारा पहुंचकर युवाओं से बात की गई है और आने वाले समय में नौकरी को लेकर चर्चा करने के काम को अंजाम दिया गया है। शारिक सिद्दीकी, TV9, मुरादाबाद।